मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो इस तरीके की बीमारी में एडवाइस किए जाते हैं या कराए जाते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी में जो मुख्य टेस्ट होता है ब्लड शुगर लेवल। ये कई तरीके का होता है, जैसे अगर आपने खाली पेट ब्लड शुगर कराया है तो उसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद कराया गया है तो उसको पीपी या पोस्ट प्रांडल ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, अगर दिन के किसी भी वक्त कराया गया है उसको रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट किया जाता है जिसको HbA1c बोलते हैं या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये टेस्ट जो है आमतौर पर 3 महीने की शुगर की एक एवरेज जानकारी देता है। तो इन टेस्टों के माध्यम से हम डायबिटीज़ की डायग्नोसिस करते हैं या डायबिटीज़ का पता लगाते हैं और इसके साथ साथ डायबिटीज़ का कंट्रोल बेहतर है कि नहीं उसकी भी जानकारी मिलती है।